नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि लगातार हम हर रोज आपको किसी ना किसी व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो आज इसी कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भावना शिंदे जी से, जो कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से सीधी हमारे साथ इस समय जुड़ी हैं, और हम बातचीत करेंगे उनसे स्पिरिचुअल पर, यानी कि धर्म और संस्कृति पर। हम उनसे अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। आपका भावना जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्ते दीपक जी। कृतज्ञता, जी हमें बुलाया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पिछले 25 सालों से अमेरिका में हैं और वहां पर स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन यानी कि SSRF, इनके साथ मिलकर आप भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारी जो सनातनी परंपरा है उसका प्रचार प्रसार सब जगह कर रही हैं। तो ये आपको कहाँ से ऐसा दिमाग में आया कि आपको इस तरह का कार्य करना चाहिए और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको पूरे विश्व में आपको लेकर जाना है? तो आप अभी कहाँ कहाँ काम कर रही हैं और कितने वर्षों से काम कर रही हैं? हाँ जी, तो जैसे मैं यहाँ आई अमेरिका 25 साल पहले, 1995 में। जी तो तब मैं यहाँ पे MBA स्टडीज के लिए आई थी। मैं भारत ओके में मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके यहाँ पे MBA करने के लिए आई थी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो तब मैंने बहुत सफलता पाई, सब जो कर रही थी, बहुत जी सारी नौकरियाँ, ऑफर्स, जॉब ऑफर्स सब मिल गई, लेकिन आनंद नहीं आ रहा था। तो जी जब मैं छोटी थी तो ये सब ना करते भी मुझे आनंद आता था। तो तब मैं जैसे कुछ आध्यात्मिक ऐसे प्रैक्टिसेस करती थी, तो तब आनंद आता था। तो फिर मेरी जिज्ञासा जागृत हो गई, जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, कि आनंद क्यों नहीं आ रहा है। यानी कि कभी कभी सुख मिलता था, कभी कभी दुख होता था, लेकिन वो जो निरंतर आनंद रहता है वो क्यों नहीं है, ऐसे मेरे मन में प्रश्न उभरा। तो उसका शोध करते समय मैं स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन या SSRF की साधिका से मिली, और तब उन्होंने मुझे इसको इंट्रोड्यूस किया। और तब से यानी कि सन 1999 यानी कि 1999 से मैं जी स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ गई। जी और आपका जो रिसर्च फाउंडेशन है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ इसकी जी, वर्किंग स्टाइल क्या है और कहाँ कहाँ पर है? हाँ, तो स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन यानी कि SSRF, तो हमारी एक वेबसाइट है www.ssrf.org। जी और ये जो वेबसाइट है वो बहुत ही पॉपुलर है। अब तक जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन USA में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, जी तो नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया में भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और यूरोप में भी एक दो दो कंट्रीज में हम रजिस्टर्ड हैं। और हमारा कार्य विश्व के ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, सभी देशों में चलता है, क्योंकि ये वेबसाइट तो सभी जगह पहुंचती है। तो हमारे विजिटर्स 125 कंट्रीज से भी अधिक कंट्रीज से आते हैं, और ओवर 50 मिलियन विजिटर्स हमारे वेबसाइट को आ चुके हैं। और हमारे व्याख्यान, जैसे ऑनलाइन ये व्याख्यान चल रहा है और व्यक्तिगत स्वरूप में भी व्याख्यान होते हैं लोकली, तो ओवर 25 कंट्रीज में ओवर 1000 लेक्चर्स और वर्कशॉप्स, जिसको हम कार्यशाला कहते हैं, जी वो भी हुई है। और ये सब किस पे आधारित है, तो उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक संशोधन या जी स्पिरिचुअल रिसर्च। और ये स्पिरिचुअल रिसर्च की है इस आध्यात्मिक केंद्र में जो आप देख रहे हैं, आध्यात्मिक संशोधन केंद्र मेरे पीछे दिख रहा है आपको,
ये आध्यात्मिक संशोधन केंद्र, ये महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय इस संस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आध्यात्मिक संशोधन पिछले 38 साल यानी कि 38 ईयर्स में चल रहा है। और ये आध्यात्मिक संशोधन क्या है कि हमारी जीवन शैली है या जीवन में कुछ प्रसंग निर्माण होते हैं या कुछ घटनाएं होती है तो उसके पीछे आध्यात्मिक क्या कारण रहता है उसका शोध लेना। जैसे वेजिटेरियन डाइट है, शाकाहारी शाकाहार, और उसमें और नॉन वेजिटेरियन डाइट, उसमें अधिक स्पिरिचुअली प्योर या शुद्ध आहार कौन सा है, ऐसे ऐसा और बहुत सारे विषयों पे हमने आध्यात्मिक संशोधन किया है। और ये संशोधन के ये संशोधन केंद्र और जी ये जो संस्था है महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक है परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी। और उसपे उन्होंने जो रिसर्च किया है उसपे आधारित हमारी ये वेबसाइट और उसपे सब आर्टिकल्स है जी। भावना जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगा कि आपका, जैसा कि आपने बताया कि यूएसए के अलावा ऑस्ट्रेलिया और करीब करीब 125 देशों में जो है वो आपकी वर्किंग चलती है, स्पिरिचुअल को, धर्म को लेकर आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, कैसे जीना है, जीवन शैली जो है वो किस तरह की होनी चाहिए ये आप हमेशा बताते हैं। तो क्या 125 देशों में आपके, हमारे सिर्फ भारतीय लोग ही आपसे जुड़े हैं या विदेशों के जो लोग हैं, विदेशी नागरिक जो है वो भी इससे जुड़े हुए हैं? एक्चुअली बाहर यानी कि भारत से भी भारतीय लोग आते हैं और दूसरे देशों से जो है अधिकतर विदेशी लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिक पॉपुलेशन विदेशी लोग है तो उन वहाँ से आते हैं और भारतीय लोग अधिकतर भारत से आते हैं। लेकिन विदेश में भी भारतीय जो ओरिजिन के लोग हैं वो भी आते हैं जी। मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा भावना जी कि हम लगातार बात करते हैं धर्म की, लगातार बात करते हैं हम सनातन धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारी परंपराओं की, तो आपके हिसाब से हमारी जो सनातनी परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो उसका क्या मुख्य परिभाषा क्या है आप? हाँ, तो धर्म यानी कि ध्रुव, ये इसका रूट अगर हम समझ जाएंगे ना तो उसका रूट जो वर्ड है वो है ध्रुव, और ध्रुव ये एक संस्कृत रूट है और वो ध्रुव का अर्थ क्या है कि जो धारण करता है या दैट विच सस्टेन्स इस धर्म। तो इसकी अच्छी परिभाषा, एक सुंदर परिभाषा आद्य शंकराचार्य, एक महान संत थे, उन्होंने दी है। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि धर्म वो होता है जो यानी कि भौतिक या सामाजिक व्यवस्था उत्तम स्वरूप में रखता है, जो हर प्राणी मात्र की सांसारिक या भौतिक उन्नति करवा देता है और हर प्राणी मात्र की आध्यात्मिक उन्नति भी करवा लेता है जी। तो वो धर्म है। अगर जी, अगर हम ये कहें कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के या किसी भी जीव के प्रति अगर कोई वो सही दिशा में बातों को ग्रहण करता है और अपने जीवन में उतारता है जिससे कि अपने परिवार, समाज और देश और पूरे जीवों का भी जो है वो उत्थान हो, वो उद्धार हो, ताकि वो अपना एक जीवन जो है बेहतर तरीके से जी सकें। यहाँ पर अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम सनातन की बात करते हैं और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात न करें तो सारी चीजें अधूरी रहती हैं। तो क्या आप इस सनातनी धर्म और परंपरा में श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह से शामिल करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, वो समस्त जीवों के लिए लिखी गई है, समस्त प्राणियों के लिए लिखी गई है। इस तरह की जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको हम हमारे जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? हाँ,
तो जैसे हम कह रहे थे कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है या जी अध्यात्म, तो आत्मा के संबंधित सब जो बातें हैं उससे जो निगड़ित है शास्त्र या साइंस, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद् गीता में कैसे अध्यात्म हम जी सकते हैं ये दिया है, स्पिरिचुअलिटी कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें एक सात्विक जीवन शैली बताई है। तो सत्व रजत तम क्या होता है ये बताया है। तो सत्व क्या रहता है, तो सत्व रज और तम ये विश्व के मूलभूत घटक है। जैसे हम कहते हैं कि विश्व का सूक्ष्मता सूक्ष्म घटक जो है, जैसे एटम्स या अणु रेणु, एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो उससे भी सूक्ष्म घटक क्या रहते हैं, तो सत्व रज तम रहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, गुणधर्म क्या रहते हैं। तो जी जो सात्विक रहता है जिसमें सत्व अधिक होता है, तो उससे हमें आनंद मिलता है, और जो जिसमें तम अधिक होता है उससे हमें दुख मिलता है, और उसमें क्रोध ऐसे वगैरह तामसिक टेंडेंसीज आ जाती है, जी और यानी कि राजसिक। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों का जो अलग अलग विचार है, अलग अलग समावेश है, वो किस तरह से किया जाता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, तो अगर हमें सत्वगुण बढ़ाना है यानी कि जीवन में आनंद बढ़ाना है, तो जी हमें सात्विक जीवन शैली का अवलंब करना होगा। तो सात्विक जीवन शैली का अवलंब कैसे कर सकते हैं, तो श्रीमद् भगवद् गीता में बताया है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसका अर्थ क्या है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों में नाम जप या नाम स्मरण, जी ये व्यक्तिगत स्वरूप पे एक उत्कृष्ट यज्ञ है। तो नाम स्मरण यानी कि ईश्वर का निरंतर स्मरण करना या उसका उसके नाम का जप करना। जी तो हम क्या रेकमेंड करते हैं, SSRF ने हमें देखा है कि अब सृष्टि में विविध प्रकार के तत्व रहते हैं, ईश्वरी तत्व, जैसे जी उत्पत्ति स्थिति और लय, यानी कि क्रिएशन सस्टेनेंस डिसोल्यूशन। जी तो उसमें अभी इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो इस समय पे स्थिति का तत्व महत्व रखता है। तो स्थिति का तत्व जो है उसका एक प्रातिनिधिक स्वरूप जो है वो है वासुदेव। तो जी उसका नाम जप करना हमें लाभ लेता देता है इस समय में। तो वो नाम जप हम रेकमेंड करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जी ये अगर नाम जप हम निरंतर करें तो जीवन में भी हमें वो सस्टेन करेगा, और ये सात्विक जीवन शैली भी हम जी पाएंगे। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, अगर हम जो जाप है, ओम नमो वासुदाय वासुदेव देवाय नमः, अगर इस तरह के मंत्रों का हम जाप करते हैं, तो हमारी जो आंतरिक एनर्जी है, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में होगी, और हम इस तरह की जो महामारी है, इस तरह के जो संक्रमण है, उनसे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारा जो बचाव है वो होगा। अभी हाल ही में भावना जी, हम देख रहे थे कुछ दिन पहले ही, जो ट्रंप हैं, जो उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के अंदर शांति पाठ करवाया था, उसके बारे में बताइए कि किस तरह का वो शांति पाठ था, और पूरे विश्व के लिए किस तरह इसको फायदा मिल सकता है हम सबको, और पूरे विश्व को किस तरह से शांति मिल सकती है। हाँ जी, तो वहाँ जो पुरोहित या पुजारी जी आए थे जिन्होंने वो शांति पाठ किया व्हाइट हाउस में, जी वो इट वाज बिकॉज अमेरिका में तब नेशनल प्रेयर डे चल रहा था, तो प्रार्थना दिन, तो राष्ट्रीय प्रार्थना दिन था। तो उस अवसर पे उन्होंने वो शांति पाठ किया था। तो जी उन्होंने उसके बारे में क्या कहा कि वैश्विक शांति के लिए शांति पाठ कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो
तो इसमें निष्काम भाव था कि कोई सकाम भावना नहीं थी कि मुझे जी कुछ पैसे मिले, हमारी हमारा साम्राज्य बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब विश्व में शांति फैले, ऐसा निष्काम भाव था। तो उससे निश्चित हमें तौर क्या पर समझ में जी आता है? जी जी बताएं बताएं भावना जी। जी, तो उसमें हमें क्या समझ में आता है कि प्रार्थना में भी प्रार्थना के भी अलग अलग स्वरूप रहते हैं या विभिन्न जी स्वरूप रहते हैं। तो वो निष्काम भाव से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो अच्छा रहता है। लेकिन सकाम भाव से करेंगे तो हम ये इस माया में अटक जाएंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति और जो भौतिक स्वरूप में भी जो उन्नति है यानी कि मटेरियल बेनिफिट्स, वो जी तो हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार आता है। वो प्रार्थना करने से, सकाम भाव से प्रार्थना करने से वो दूर नहीं होते हैं अपने प्रॉब्लम्स। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह पूजा भी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, भिन्न भिन्न रूप होते हैं उसके। अगर आप पूरे समाज के लिए, पूरे जीवों के लिए, पूरे देश और दुनिया के लिए अगर कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो आपका खुद का स्वतः ही उद्धार हो जाएगा। आप खुद मानसिक रूप से भी शांति आपको मिलेगी और आप भी एक अच्छा अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। भावना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत में हम लोग भी इस समय कोविड-19 के कहर से घरों के अंदर लॉकडाउन है। अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा जो है इसका प्रभाव हो रहा है, लगातार हजारों लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और लगातार जो है वो इनकी संख्या जो है संक्रमण की बढ़ रही है। तो आप क्या मानती हैं कि अब पूरे विश्व में, क्योंकि जीवन शैली जो है वो सभी विश्व के लोगों की चेंज हो जाएगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, तो अब क्या हमको हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय पद्धति है, भारतीय सनातन जो पद्धति है, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसको अपनाने से हम किस तरह से इस महामारी से बच सकते हैं? हाँ, तो ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि सभी को तो इससे सामना करना पड़ रहा है, कोविड-19 या कोरोना वायरस पैंडेमिक से। और जी जैसे अमेरिका ही नहीं तो सभी देशों में ये फैल गया है ये महामारी। तो इससे हमें क्या समझता है कि आध्यात्मिक शास्त्र में, हाँ, जिसको हम जी जो सत्व गुण है उसका जी जब कम होता है और जब रज और तम गुण बढ़ते हैं तो ऐसी महामारियां या पैंडेमिक्स फैलती है। तो उसके लिए हमें सात्विक जीवन शैली का अवलंब करना पड़ेगा, यानी कि वी विल हैव टू फॉलो सात्विक लाइफस्टाइल। तो जी जी एक्चुअली बिल्कुल जी बताइए। हाँ, तो एक्चुअली जब हम ऐसे देखते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक अंतर रख रहे हैं, और जो लोकल अथॉरिटीज और मेडिकल प्रोफेशनल्स हमें बता रहे हैं कि हाथ और मुंह अच्छे से धोना या घर में शूज या जूते मत पहनना, बाहर छोड़ना वो घर से, जी और सब इन जनरल जो क्लेनलीनेस मेंटेन करना पड़ रहा है, हमें स्वच्छता रखनी पड़ रही है, तो ये सब सात्विक जीवन शैली का ही अंग है। उससे बिल्कुल सात्विकता बढ़ती है। तो जैसे ये हो रहा है, तो जैसे वो महामारी फैल रही है, तो उसके लिए रोकने के लिए भी स्थूल स्वरूप में भी हमें सात्विक जीवन शैली का ही अवलंब करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर हम देखते थे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा या परदादा थे, वो जब घर में प्रवेश करते थे उस समय बाहर ही जूते चप्पल खोलकर, उसके बाद हाथ मुंह धोकर, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते थे। किचन के अंदर कोई भी महिला भी अगर जा रही है तो पहले स्नान करने के बाद नहा धोके और उसके स्वच्छ होके उसके बाद ही किचन के अंदर प्रवेश करती थी। यानी कि हम हमारी परंपराओं से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की जो महामारी है, इस तरह के जो संक्रमण है, वो लगातार हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको हमारी पुरानी जो संस्कृति है, जो सनातन
परंपरा है, हमको उसकी ओर वापस से आना पड़ेगा, तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है। भावना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप अध्यात्म और स्पिरिचुअल पर वर्किंग कर रही हैं, हम ये भी देखते हैं कि एक तो धर्म होता है, एक कबीला होता है और एक पंथ होता है, तो इन तीनों में आप क्या फर्क महसूस करती हैं? हाँ जी, तो धर्म की व्याख्या तो या परिभाषा तो हमने देखी, जो हमें जी आद्य शंकराचार्य ने ही दी थी। तो जी और अध्यात्म की तो परिभाषा ये है कि जो आत्मा संबंधित शास्त्र है हमारी, हम सब में ये आत्मा है, स्थित है, उसके संबंधित जो शास्त्र है वो अध्यात्म शास्त्र है और या स्पिरिचुअलिटी। और कैसे होता है, जैसे हम कहते कि रिलीजन, तो रिलीजन जब कहते हैं तो उसमें भी भगवान या ईश्वर के कुछ अंगों से हम ये करते हैं, कनेक्ट होते हैं। जी लेकिन उसमें एक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम सोचते कैसे हैं कि हमारा रिलीजन है तो सबसे अच्छा रिलीजन है, जी ऐसे अगर सोचते हैं तो वो अध्यात्म शास्त्र के विपरीत है। हर रिलीजन में हमें कुछ मिलता है कहीं ईश्वर के तरफ जाने के लिए, लेकिन जी अध्यात्म शास्त्र है वो रिलीजन के परे है और वो धर्म का एक अंग है। धर्म और रिलीजन ये एक ही नहीं है। धर्म यानी कि राइचियसनेस, जो धारण करता है, जो सस्टेन करता है, वो धर्म होता है। तो जी धर्म और रिलीजन में अंतर रहता है। तो अध्यात्म में मूलभूत सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति, जितनी व्यक्ति रहती है उतनी प्रकृतियां या प्रकृति स्वभाव रहते हैं और उतने साधना मार्ग रहते हैं, ईश्वर के पास जाने के मार्ग रहते हैं। तो इसका एक ये बहुत व्यापक मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि ईश्वर बहुत व्यापक है। जी तो ईश्वर के तरफ जाना है तो हमें व्यापक होना पड़ेगा। तो इन बातों में अगर हम अटक गए तो हम संकुचित होएंगे और ईश्वर से दूर जाएंगे। तो इसके लिए कैसे है कि एक ये उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये जो नियम है सृष्टि का, जी तो जो भी जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, जैसे रिलीजन या पंथ या कबीले जी या जाति, तो इन सभी की उत्पत्ति हुई है, तो उस वो थोड़े काल में स्थिति उसकी रहती है, वो थोड़े काल रहते हैं जी और उसके बाद उसका लय होता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें सनातन की, तो सनातन तो वो है जो ना जिसकी शुरुआत का पता होता है, ना ही उसके अंत का पता होता है, वो हमेशा से ही होता है और हमेशा बना रहता है, वो होता है धर्म। तो हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप धर्म की स्थिति को कहाँ मानती हैं, क्योंकि लगातार जो पूरा विश्व है, या हम अगर हमारे भारत की बात करें, हमारे हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पर भी अधिकांश लोग जो हैं वो पाश्चात्य संस्कृति से काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर हम हमारी ही संस्कृति से प्रभावित रहेंगे, हमारी ही संस्कृति को हमारे जीवन में उतारेंगे, तो हमको एक आनंद भी आएगा और हमारा जीवन सफल भी होगा। तो आप इस समय हमारे देश में जो आपको देख रहे हैं, आप अमेरिका में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए धर्म और स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, तो भारत के लोगों के को, हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो कैसे है कि अध्यात्म में तो भारत तो विश्व गुरु ही है, जी क्योंकि अध्यात्म शास्त्र तो हमें भारत से मिली हुई एक देन है। तो यहाँ पे हमें एक समझना पड़ेगा कि जैसे अब सात्विक जीवन शैली से हम दूर हो गए हैं ना, तो विश्व के सभी देशों में ये हो गया है। तो ये उसका कारण क्या है कि हम एक जो युग में रह रहे हैं उसका नाम है कलियुग। तो कलियुग के अंतर्गत रजतम का प्रभाव या वो जो स्पिरिचुअली इम्प्योर कॉम्पोनेंट्स है उनका प्रभाव अधिक है।
लेकिन अध्यात्म में ये भी रहता है कि युगों का या टाइम का भी साइकिल, उसकी साइकिल रहती है, चक्र रहता है, काल चक्र। तो अब थोड़े ही वर्षों में यहाँ पे एक सत्य युग भी आएगा। वैसे रोज के दिन में भी साइकिल चलती है कि पहले दिन होता है, फिर मध्यान्ह होता है, फिर सायं होती है संध्या काल, और उसके बाद होता है रात होती है, और फिर से दिन शुरू होता है। तो विश्व में भी वो साइकिल्स चलती है। तो कलयुग के बाद ये उसके बाद सत्ययुग तो आता है। तो एक मिनी सत्ययुग अब 2024 साल को आएगा, ऐसे बहुत सारे संतों ने भी बताया है। तो जी ये जो बहुत सारी विकृतियां हमें दिख रही है, तो वो समाप्त होके हम एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर के फिर से हमें एक अच्छा युग और अच्छा टाइम देखने को भी मिलेगा। जी यानी कि आपका ये कहना है कि 2024 जब आएगा उसके बाद से सारी चीजें ठीक होंगी, यानी कि अभी जिस तरह संक्रमण काल की शुरुआत हुई है, जिस तरह COVID-19 की शुरुआत हुई है, पूरे विश्व इसकी महामारी के चपेट में है, सारे देश के लोग इसकी महामारी के चपेट में है, तो अभी हमको इन अगले जो 4 साल और हैं उसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारे जीवन को भी, हमारे समाज को भी और हमारे देश को भी बचा पाए। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कैसे है कि जैसे हमने भी देखा SSRF में कि जब से COVID-19 का शुरू हो गया, तब से हमारे ऑनलाइन इवेंट्स यानी कि ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी बहुत जी बढ़े हैं, और लोगों का उसको जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि अब लोगों में भी वो कुछ जिज्ञासा निर्माण हो गई है कि अब इसमें से हम कैसे गुजर पाएंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल चीजें थी उससे तो हमें मन की शांति नहीं मिल रही है। जी सब घर में लॉकडाउन में है, तो क्या होता है कि हमारी मन की शांति और सब सामूहिक स्वरूप में सब विश्व की शांति, उसका उसमें आने वाले जो आने वाली अड़चने रहती है, तो उसका मूल रहता है हमारे मन में रहता है वो, और उसको कहते हैं कि विकार या स्वभाव दोष, जैसे क्रोध या जेलसी, मत्सर, ऐसे तमोगुण जो रहते हैं हम में, तो उनका पहले हमें निर्मूलन करना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत हम सिखाते हैं कि स्वभाव दोष निर्मूलन करो, तो अपने क्रोध पे, अपने अहम पे काम करो। और उसके लिए हमने एक स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया बताई है, तो वो हमारे SSRF वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा क्रोध कैसे है, मेरी चिंता करने की जो जो विकार है, तो वो सब कैसे कम कर सकते हैं। और उसके साथ ही नाम जप, नामस्मरण निरंतर करना है। अगर आपको वो यूनिवर्सल नाम जप नहीं करना है जो मैंने बताया, तो हम दूसरे भी नाम जप बताते हैं, जैसे कोई दूसरे एक रिलीजन से आते हैं तो वो भी अपने रिलीजन के अनुसार नामस्मरण कर सकते हैं। तो नाम जप करना, स्वभाव दोष निर्मूलन पे काम करना, और सात्विक जीवन शैली रखना, इससे हम इस पीरियड से गुजर पाएंगे सक्सेसफुली। धर्म की बातें तो सभी करते हैं लेकिन धर्म को कोई अपनाता नहीं है, लेकिन अब समय है कि धर्म को, आपको, हमको और सभी को अध्यात्म और धर्म के साथ चलना होगा, तभी आपका और हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। भावना शिंदे जी, आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से सीधी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम भविष्य में भी आपके साथ इसी तरह संपर्क रखेंगे जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच जितने भी जो हमारे भारतीय लोग हैं या अमेरिका में भी जो लोग रह रहे हैं उन सभी को अध्यात्म का और स्पिरिचुअल का पूरी तरह से फायदा मिले। आप हमारे साथ जुड़ी अमेरिका से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, और जो भी लोग ये देखेंगे उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। तो
आपने ये समय दिया और मुझे ये अवसर मिला, इसके लिए कृतज्ञता और धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। City Live, a platform to sharing your thoughts.